अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। आईजी पंजाब की जेर सदारत जूनियर कमांड कोर्स और फोर्स के तरबियती अमूर बारे इजलास। सिहाला के साथ साथ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुहुंग लाहौर में भी जूनियर कमांड कोर्स शुरू करने का फैसला। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना है कि जूनियर कमांड कोर्स में सीटों के इजाफे का फैसला डीएसपीज की प्रमोशन में ताखीर के खात्मे के लिए किया गया है। जूनियर कमांड कोर्स के लिए ऑफिसर्स का ग्रुप 50 ऑफिसर्स से ज्यादा पर मुश्तमिल ना हो। कमांड अफसरान अपनी प्रमोशन की तरह मुतहत अफसरान की प्रमोशन के लिए भी बरवक्त इकदामात को यकीनी बनाएं। जूनियर कमांड कोर्स 15 फरवरी से सिहाला में शुरू होगा। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग जदीद पॉलिसिंग के तकाजों के मुताबिक फोर्स की बेहतरीन तरबियत के लिए तमाम वसाइल को बुरे कार लाएं। आईजी पंजाब ने पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ब्रांच PIBB के कयाम और पोस्टों के इजरा के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 27 के तहत जारी किया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और डाटा शेयरिंग के मुनज्जम निजाम को फाल करने के पेश नजर जारी किया गया है। मीडिया नुमाइंदगान और अवाम के साथ एतमाद के रिश्ते को मजीद बेहतर और मजबूत बनाना है। पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ब्रांच का सरबराह DIG रैंक का ऑफिसर होगा। पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर पंजाब पुलिस के ऑफिशियल स्पोक पर्सन तर्जुमान की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। हकाइक की सही अकासी के लिए मीडिया नुमाइंदगान तक इतलात की हमवार तरसील को यकीनी बनाएंगे। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल अख्तर सुखेरा को पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। DIG ऑपरेशंस सुहेल अख्तर सुखेरा ने पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के फराइज भी अदा करना शुरू कर दिए। आईजी पंजाब के स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत DIG ऑपरेशन सुहेल अख्तर सुखेरा को PPIO की जिम्मेदारियां सौंपी गई। सरबरा लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का CCPO ऑफिस की तमाम ब्रांचेस का दौरा, शिकायत सेल का भी विजिट किया। CCPO लाहौर ने एडमिन ब्रांचेस, वेलफेयर ब्रांचेस, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांचेस का जायजा लिया। SSP डिसिप्लिन सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी ने मुख्तलिफ ब्रांचेस पर ब्रीफिंग दी। गुलाम महमूद डोगर ने साइलिन के मसाइल सुनने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। सरबरा लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि दादरसी के लिए आने वाले साइलिन को अल्लाह के मेहमान समझें। CCPO लाहौर की वेलफेयर के पेंडिंग केसेस को जल्द अज जल्द हल करने की भी हदायत। CCPO गुलाम महमूद डोगर का CIA मॉडल टाउन का अचानक दौरा। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार के सरानी भी मौजूद। CCPO लाहौर ने हवालात में मौजूद मुलजमान से बातचीत की। CIA मॉडल टाउन के अफसरान ने CCPO को मुलजमान की गिरफ्तारी के बारे में ब्रीफिंग दी। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि गैर कानूनी हरासत और तशद्दुद को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरबराह लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ हॉटस्पॉट एरियाज में डॉल्फिन और पीरू के गश्त को मॉनिटर भी किया। सिविल लाइंस पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मकतूल बच्चे रेहान की वालिदा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। बच्चे रेहान ने मुलजिम को अपनी वालिदा के साथ काबिले इतराज हालत में देख लिया था। मुलजिम खालिद महमूद ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मासूम बच्चे को ईंटों के वार करके कत्ल कर दिया था। दूसरी जानब CIA मॉडल टाउन पुलिस ने मुगवी हसन रजा को 60 लाख रुपए तावान के लिए अगवा करने वाले मुलजिम वकास को गिरफ्तार किया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान का कहना है कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इंपोर्टेड मेडिसिन खरीदने के बहाने शहरियों से लाखों रुपए मालियत की मेडिसिन लेकर फरार होने वाले नौसरबाज गिरफ्तार। मुलजमान से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान में सरगना गैंग इमैनुअल मसीह और उसके साथी जावेद मसीह और फहद जफर शामिल। मुलजमान के खिलाफ इस्लामाबाद, मुल्तान और कराची में भी फ्रॉड और नौसरबाजी के मुकदमा दर्ज। SP दोस्त मोहम्मद ने SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन डिवीजन के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस अफसरान समेत दफ्तरी स्टाफ ने SP दोस्त मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। SP दोस्त मोहम्मद का कहना है कि साइलिन को फौरी इंसाफ मुहैया करने में कोई कसर नहीं छोड़े। SPCT फराज अहमद की सरबराही में शाद बाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत और मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल्स, 10 मोबाइल्स,
नाजायज असलहा और 95,000 नकद रकम बरामद। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।